अभी एक गाना सुन रहा था मैं, गाने का नाम था जब प्यार किया तो मरना क्या, प्यार किया कोई जंग नहीं की छुरियों से फिर लड़ना क्या। जरा देख के बताइएगा मुझे क्या आपने पहले ये गाना सुना है नहीं। फिलहाल आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मरने की बात हो रही है तो टर्म इंश्योरेंस की बात करनी बहुत जरूरी है, और टर्म इंश्योरेंस के हर वो फीचर के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा बेसिक टू एडवांस की इस सीरीज में, जिसमें कि आपके सारे मिथ्स दूर हो जाएंगे टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड। उससे पहले आप इन्वेस्टिंग डैडी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मोटिव जब भी हमारा होता है तो हमेशा हम इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जहां पर रिटर्न की आवश्यकता से ज्यादा जरूरी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फैक्टर या ह्यूमन के लॉस के एवज में मिलने वाला रिटर्न है। जैसे आप अपनी कार या बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, एक्सीडेंट होता है तो वहां पर आपको एक्सीडेंट के बदले में जो भी रिपेयरिंग कॉस्ट आती है वो पूरी मिल जाती है। अगर कार या बाइक चोरी हो जाती है तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाता है। लेकिन आदमी का, इंसान का, ह्यूमन का जीवन अमूल्य है, इसके बदले में हमें खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमारे पीछे जो लोग हैं, जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनकी ज़रूरतों को कोई रोक भी नहीं सकता। आज जो ज़रूरतें हम पूरी कर रहे हैं या आप पूरी कर रहे हैं, हो सकता है हमारे न रहने के बाद हमने कभी ये सोचा ही न हो कि उन ज़रूरतों को कौन पूरी करेगा जो कि हमारे डिपेंडेंट हैं। तो इसके लिए बना है टर्म इंश्योरेंस प्लान। मैं तो कहता हूँ कि हमारे जीवन में हमने कोई इन्वेस्टमेंट कभी किया ना किया, लेकिन हमारे पास दो तरह के इंश्योरेंस जरूर होने चाहिए। एक होता है टर्म इंश्योरेंस और दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमारी बीमारी में हमारे काम आएगा और टर्म इंश्योरेंस हमारे ना रहने में हमारे परिवार के काम आएगा। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स लोगों के मन में होते हैं। कोई कहता है ये बहुत महंगा होता है, कोई कहता है हम मर जाएंगे तो जाने कौन वो पॉलिसी वाले देंगे नहीं देंगे, इंश्योरेंस कंपनी वाले देंगे नहीं देंगे, कैसे कौन कौन हेल्प करेगा मेरे परिवार की अगर मैं नहीं रहूंगा तो। इन सारी दुविधाओं से मुक्ति पाने के लिए हमारे पास हमको इस टर्म इंश्योरेंस को बेहतर तरीके से जानना होगा। और इन सारी दुविधाओं से मुक्ति हमको पॉलिसी बाजार भी देता है। पॉलिसी बाजार पर बहुत तरह के फीचर्स हैं जिनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। चलते हैं हम लोग टर्म इंश्योरेंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तीन तरह के टर्म इंश्योरेंस होते हैं। एक टर्म इंश्योरेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर टर्म इंश्योरेंस। रेगुलर टर्म इंश्योरेंस वो टर्म इंश्योरेंस होता है जहां पर आप एक मुश्त पैसा प्रीमियम्स के फॉर्मेट में, लगभग कहीं 5 इयर्स के प्रीमियम्स है किसी कंपनी में, किसी कंपनी में 10 इयर्स के प्रीमियम्स हैं, इन प्रीमियम्स के फॉर्मेट में इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं। और इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी अगर जिस पर्टिकुलर पर्सन का ये टर्म इंश्योरेंस किया गया है उसकी डेथ हो गई तो उसकी फैमिली को जो डेथ बेनिफिट है वो डेथ बेनिफिट पहुंचा देती है। तो ये पर्टिकुलर काम इंश्योरेंस कंपनी का होता है और हमको सही इंश्योरेंस कंपनी का सिलेक्शन करना होता है। और सही इंश्योरेंस कंपनी का सिलेक्शन करने में आपकी हेल्प करती है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार पर आप जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएंगे। जो टर्म इंश्योरेंस जो कंपनीज किस कॉस्ट पे आपको टर्म इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन सबको समझाने के लिए पॉलिसी बाजार के एजेंट्स आपकी जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी है और इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच का ब्रिज है। और अगर गलती से कभी कोई एक्सीडेंटल केस होता भी है, कोई डेथ होती भी है, कैजुअल्टी होती भी है, ऐसे केस में भी आपके फैमिली को डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यह काम होगा पॉलिसी बाजार का और पॉलिसी बाजार आपकी हेल्प करेगी। दूसरे तरह का इंश्योरेंस टर्म इंश्योरेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉप, TROP। अब ये ट्रॉप क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम लोग समझेंगे यहां पर जो मैंने लिख रखा है आपके लिए, डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है। ट्रॉप, ट्रॉप में क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑफ प्रीमियम। जनरली टर्म इंश्योरेंस के बारे में लोगों का ख्याल ये होता है कि इससे मुझे जब कोई रिटर्न नहीं मिलना है, अगर मान लीजिए कैजुअल्टी नहीं हुई तो ये मेरा पूरा पैसा किसी काम का नहीं रह जाएगा, मुझे इस पैसे का कोई यूटिलाइजेशन नहीं आएगा। तो इसके लिए
फिर ट्रॉप लॉन्च किया गया। ट्रॉप में क्या हुआ, टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ये एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें टर्म इंश्योरेंस प्लान इंटायर प्रीमियम जो इस पूरे के पूरे प्लान में पे किया गया है पॉलिसी होल्डर को एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म रिफंड कर देती है, वापस कर देती है। इसमें से जीएसटी माइनस कर लिया जाता है, ऑब्वियसली जो टैक्स है वो माइनस कर लिया जाता है। और अगर वो व्यक्ति सर्वाइव कर गया, वो आदमी या औरत सर्वाइव कर गया तो पूरी की पूरी जो प्रीमियम उसने पे की हुई है वो प्रीमियम उसको वापस कर दिया जाएगा। यानी कि अब आपको ये चिंता नहीं है आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको कोई रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसमें भी अच्छी पॉलिसी का सिलेक्शन करने के लिए आपकी हेल्प कौन करेगा, वापस से पॉलिसी बाजार करेगा, जहां पर आप 20 डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज के स्कीम्स को देख सकते हैं और वहां पे आप सही स्कीम आपके लिए क्या है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात ये है कि नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 100% रिफंड ऑन प्रीमियम। अब जो टर्म इंश्योरेंस रिटर्न ऑन प्रीमियम था इसमें दिक्कत किस बात की थी, इसमें दिक्कत इस बात की थी कि अगर आपने इंश्योरेंस कर लिया एक बार, आपने एक बार आप इंश्योर्ड हो गए, इन बिटवीन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब ये प्रीमियम नहीं पे करना है, तो ऐसे केस में आपका पूरा जो पैसा आपने पहले पे किया हुआ था वो खत्म हो गया, वो आपको वापस नहीं मिलता। लेकिन तब भी यहां पे लोगों की घबराहट होती थी जो एकदम ही कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, तो इसके लिए नया प्लान ही आया, नया वेरिएंट ही आया जिसमें बोलते हैं 100% रिफंड ऑन प्रीमियम। इसमें क्या होता है, इसमें पॉलिसी होल्डर एक सर्टेन एज के बाद इन बिटवीन भी एग्जिट कर सकता है, यानी कि जो आपने प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम बिना किसी रिटर्न के आपको वापस मिल जाएगा। यानी कि इसमें आपको पूरी मैच्योरिटी तक रहना पड़ेगा, लेकिन इस वाले में 100% रिफंड ऑन प्रीमियम में आप एक सर्टेन एज के बाद इन बिटवीन भी उस प्लान से एग्जिट कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा हो। इसमें कुछ राइडर्स भी आपको मिलते हैं जो राइडर्स आपको हेल्प करते हैं। राइडर्स क्या होते हैं, राइडर्स जब आप किसी भी इंश्योरेंस को करते वक्त उसके साथ कुछ एड ऑन पॉलिसीज लेते हैं, इनको हम लोग राइडर्स कहते हैं। राइडर्स कैसे हो सकते हैं, जैसे आप एक एक्सीडेंटल बेनिफिट का कवर लेते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट का कवर क्या होता है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस एक्सीडेंट के एवज में भी आपको वो पैसा मिलेगा। पहले के समय में ऐसा होता था कि डेथ नेचुरल होगी या हार्ट अटैक से होगा या क्या होगा, क्या बहुत सारे टर्म्स होते थे, लेकिन अब वो टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत सिंपल कर दिया गया है। दूसरा क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, अगर बहुत क्रिटिकल इलनेस हो गई तो भी आपकी कमाई बंद हो जाती है, आप काम करना बंद कर देते हैं, ऐसे केस में ऐसा राइडर आपकी हेल्प करता है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको क्रिटिकल इलनेस के दौरान आपके फैमिली के खर्चे के लिए डिपेंडिंग अपॉन द प्रीमियम्स एंड ऑल जैसी उनकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट देती है। तीसरा होता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट, अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो गई जिसकी वजह से आप जो काम कर रहे थे, जिससे आप पैसा कमा रहे थे, लेकिन आप उस लायक अब नहीं रह गए, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपको इसका बेनिफिट देती है। तो इन सारी बातों को अगर आपको समझने में दिक्कत आता है तो आपको हेल्प करेगी पॉलिसी बाजार और पॉलिसी बाजार के 24/7 लाइव एजेंट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। अब यहां पर हमको क्या क्या बेनिफिट मिलता है पॉलिसी बाजार की वजह से वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो लोएस्ट सम लोएस्ट प्रीमियम वाला इंश्योरेंस कंपनी हम लोग ढूंढ सकते हैं और आपको हाईएस्ट सम इंश्योर्ड मिले। दूसरी बात, आपको ऑनलाइन 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस प्लान 490 रुपीज पर मंथ में भी मिल सकता है, 490 रुपीज पर मंथ में भी, और इवन ऑनलाइन डिस्काउंट भी 10% तक के अवेलेबल होते हैं पॉलिसी बाजार पर 24/7। क्लेम असिस्टेंस पॉलिसी बाजार की कोई जरूरत नहीं है आपको। हम लोग ये सोचते हैं जब टर्म इंश्योरेंस लेते हैं कि भाई मैं रहूंगा तो ठीक है, मैं तो ये सब कुछ झेल ले रहा हूं, लाइन लगा ले रहा हूं, सब कुछ कर ले रहा हूं, लेकिन मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बिहाफ पर कौन ये करेगा, कौन जाएगा, कौन इंश्योरेंस कंपनी से बात करेगा, कौन ये बेनिफिट्स दिलाएगा मेरी फैमिली को, तो वो काम करेगी पॉलिसी बाजार आपकी। और चूंकि पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है, ये हेल्प करती है आपका कॉस्ट बचाने में। कहां कॉस्ट बचाने में, आप जाने में खर्च करेंगे, प्रीमियम्स को भरने में, आप इंश्योरेंस कंपनी तक जाने में खर्च करेंगे, वो सारी कॉस्ट आपकी बचाएगी पॉलिसी बाजार, अगर रेदर देन आप किसी ऑफलाइन एजेंट से संपर्क करके ये इंश्योरेंस लेते हैं।
तो अगली बात, राइडर के ऑप्शंस भी एक्स्ट्रा कवरेज के लिए पॉलिसी बाजार पर अवेलेबल है। टैक्स बेनिफिट भी आपको एटीसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो पॉलिसी बाजार के रिप्रेजेंटेटिव आपके घर विजिट कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल्स बता भी सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है तीनों तरह के टर्म इंश्योरेंस की। रेगुलर टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है, या फिर ट्रॉप लेना है, या फिर आपको 100% रिफंड ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस लेना हुआ है, वो सारी लिंक्स दी हुई हैं। फटाफट आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पॉलिसी बाजार के एजेंट आपको कॉल करेंगे, आपके घर आएंगे और आपको सारी बातें समझा देंगे। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, इन्वेस्टिंग डैडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।